Hi guys, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about University Weights. आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी वेट्स, इसमें आपके सेवन राइटर्स आते हैं: रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेस, जॉन लाइला, थॉमस लॉ, जॉर्ज पील एंड थॉमस केट। ये आपके सेवन राइटर्स हैं जो यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर आते हैं, एंड इनको यूनिवर्सिटी वेट्स का नाम दिया गया, एंड इन्हें ग्रुप ऑफ राइटर्स भी कहते हैं, एंड इन्हें सेवन स्टार्स भी कहते हैं। ये जो सेवन राइटर्स थे, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करने में, एंड इनकी जो टेक्निक्स थी, जो ड्रामा थे, उनको आगे लेके गए शेक्सपियर। शेक्सपियर इनके टेक्निक्स और ड्रामा को आगे लेके गए, एंड ये हाईली एजुकेटेड थे कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एंड ये फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर थे इन इंग्लैंड में। यूनिवर्सिटी वेट्स में आपके जो सेवन राइटर्स हैं, वो फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर थे इंग्लैंड में। एंड आपके थॉमस किड हैं जो वो फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी। यूनिवर्सिटी वीट्स लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट एंड पैम्फलेटर्स, ये एक 16th सेंचुरी में इंग्लिश प्ले राइट एंड पैम्फलेटर्स का ग्रुप था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की, एंड नोन टू ईच अदर कंटेम्प्रेरीज, एंड ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज के रूप में भी जाने जाते थे। एंड इसमें जो सेवन राइटर्स हैं आपके, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, क्रिस्टोफर मार्लो, इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। जॉन लाइला, थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एंड जो आपके थॉमस किड नॉट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट नहीं की थी। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किन किन राइटर्स ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। वैसे मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवन राइटर्स में कौन सा ऐसा राइटर था जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी। वो थे हमारे थॉमस किड। रोमांटिक कॉमेडी फाउंडेशन, इन राइटर्स ने रोमांटिक कॉमेडी फाउंडेशन की नींव रखी। ईच कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ ड्रामा। कोलेबरेटिव वर्क, इन्होंने बहुत सारे कोलेबरेटिव वर्क भी किए। विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न इन सेम ईयर 1564। विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो दोनों का जन्म जो है वो सेम ईयर में होता है, 1564 में दोनों का बर्थ हुआ। एंड सो दे आर नोन एज द सेवन स्टार्स ऑफ द कॉस्मोस, इन्हें सेवन स्टार्स ऑफ द कॉस्मोस का नाम भी दिया गया है। यूनिवर्सिटी विच द टर्म क्वाइन बाय जॉर्ज सेंट्सबरी, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। सो दे आर नोन एज, ये जो सेवन राइटर्स हैं किस नाम से भी जाने जाते हैं, द सेवन स्टार्स ऑफ द कॉस्मोस। एंड जो यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म है, यूनिवर्सिटी विट्स की जो टर्म है, वो किसने क्वाइन की थी, वो क्वाइन की थी हमारे जॉर्ज सेंट्सबरी ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म जो है वो किसने क्वाइन की, जॉर्ज सेंट्सबरी ने। थॉमस नेस 1576 में इनका बर्थ हुआ, एंड 1601 में इनकी डेथ होती है। फादर विलियम नेशे, मदर मार्गरेट नेशे, कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एंड थॉमस नेश वॉज एन एलिजाबेथन प्ले राइट, पोइट, सटायरिस्ट एंड अ सिग्निफिकेंट पैम्फलेटर। ही इज नोन फॉर हिज नॉवल द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। हिज पैम्फलेट्स इंक्लूडिंग पियर्स पेनीलेस एंड हिज न्यूमेरस डिफरेंस ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। थॉमस नेश एक एलिजाबेथन प्ले राइट थे, पोइट थे, सटायरिस्ट थे एंड सिग्निफिकेंट पैम्फलेटर थे। वो सबसे ज़्यादा जाने जाते अपने वक्त द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। एंड ग्रेटेस्ट पैम्फलेटर एंड स्टोरी राइटर, थॉमस नेश एक ग्रेटेस्ट पैम्फलेटर एंड स्टोरी राइटर थे। ही हेल्प शेक्सपियर विद हेनरी फोर्थ पार्ट वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। थॉमस नेश ने विलियम शेक्सपियर की हेल्प की उनके वर्क हेनरी फोर्थ में, ओनली पार्ट वन के लिए उन्होंने हेल्प की थी। ही हेल्प शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट वन, पार्ट वन में उन्होंने विलियम शेक्सपियर की हेल्प की। कोलेबरेटिव विद मार्स्टन इन डीडो एंड द आइसल ऑफ डॉग्स, उन्होंने मार्स्टन के साथ एक कोलेबरेटिव वर्क किया डीडो एंड द आइसल ऑफ डॉग्स। थॉमस नेशे एंड रॉबर्ट ग्रीन जर्नलिज्म, इट मीन्स थॉमस नेशे एंड रॉबर्ट ग्रीन है जो वो जर्नलिस्ट को बिलोंग करते थे, जर्नलिस्ट से थे वो। एंड
इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, एंड द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है इनका फर्स्ट पिकार है, इसकी नॉवल है। समर्स लास्ट विल टेस्टामेंट ये एक नोटेबल वर्क है, इनका एंटरटेनमेंट प्ले है जो इन्होंने 1592 में पब्लिश किया। क्रिस्ट टीयर्स अवर जेरूसेलम एम प्रिजनल फॉर पैम्फलेट डेडिकेटेड टू लेडी एलिजाबेथ कैरी मेजर वर्क। ये थॉमस नेस के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं कुछ, एंड द लाइफ ऑफ जैक और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये क्या है, फर्स्ट पिकारेस्कू नॉवल है इनका जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। समर लास्ट विल टेस्टामेंट इनका एंटरटेनमेंट प्ले था एंड नोटेबल वर्क जो 1592 में पब्लिश किया इन्होंने। क्रिस टीयर्स ओवर जेरूसेलम इम्प्रिजनल है, पैम्फलेट है ये, इन्होंने डेडिकेट किया लेडी एलिजाबेथ कैरी को। इसमें से यही क्वेश्चन बनता है कि इनका जो क्रिस टीयर्स ओवर जेरूसेलम वर्क है उन्होंने किसको डेडिकेट किया, लेडी एलिजाबेथ कैरी को। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, एंड अपना कमेंट जरूर दें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।